1000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी मेहुल चौकसी भाग गया। अब जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे मान्यवर, इतना पैसा इन्होंने पूंजीपतियों को माफ किया। और 10000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया। इस सरकार को एक सनक है, इस सरकार को एक सनक है, मोदी सरकार को एक सनक है, उसको ये सनक है हमको अपने मित्र को अमीर बनाना है, हमको अपने मित्र को अमीर बनाना है, हमको अपने मित्र को दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बनाना है। जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे। एक इंसान को 2.5 लाख करोड़ रुपए और बच्चे के दूध पे टैक्स लगाते हो, आटा दाल चावल पे टैक्स लगाते हो, हिंदुस्तान के गरीब आदमी का खून चूसने का काम करते हो। इसी सदन में किसान के काले कानून का विरोध कर रहे थे, हमें सस्पेंड करके बाहर कर दिया गया। विधायक खरीदने में लगे, ये पूंजीपतियों की सरकार चल रही है, पूंजीपतियों की गुलामी करने वाली सरकार चल रही है जो इस देश के अंदर महंगाई बढ़ाने का काम करती है। तो किसी को पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं देंगे तो नो, और मालूम है मान्यवर उसको कितना कर्जा दिया इस सरकार ने? 2.5 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए मान्यवर, 2.5 लाख करोड़ रुपए। सरकार किसके लिए चल रही है मान्यवर? यह सरकार किसके लिए चल रही है? इसको ध्यान से हमें सोचना पड़ेगा। महंगाई से पूरा देश कराह रहा है। मैं चंद लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा कि वो जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं, वो जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं, आबाद उन्हीं के दम पे महल वाले रहते हैं। ये देश जिनके हाथ में छाले हैं मान्यवर, उन्हीं के दम पर है, उन्हीं के दम पर है। लेकिन ये सरकार किसके लिए काम कर रही है? नौजवान कहता है नौकरी दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है, अग्निवीर लेके 4 साल की नौकरी करो। भारत की सेना कहती है पैसा दे दो, सरकार कहती है तुम्हारे बजट का 63,000 करोड़ रुपए कम करेंगे। माताएं बहनें कहती हैं गैस का सिलेंडर बढ़ गया, बच्चे के दूध का दाम बढ़ गया, आटा दाल चावल महंगा हो गया, उसको कम कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। किसान कहता है फसल का दाम दे दो, फसल का दाम दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। अरे बुजुर्ग कहते हैं हमारी रेल की तीर्थ यात्रा उसकी रियायत क्यों कम कर दी, सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। देश के लोग कहते हैं शिक्षा का बजट को बढ़ा दो, सरकार कहती है 2% से ज्यादा बजट नहीं है। अरे स्वास्थ्य का बजट तो ठीक कर दो मोदी जी, सरकार कहती है पैसा नहीं है। मान्यवर ये पैसा गया कहां, किसके पास गया ये पैसा? अरे ये पैसा गया नरेंद्र मोदी जी के मित्रों के पास गया, मित्रों के पास गया। मैं आपको बताता हूं मान्यवर कहां कहां गया। 20,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी मेहुल चौकसी भाग गया, 10,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, 3,000 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया, 6,000 करोड़ लेके नितिन संदेशरा भाग गया। और ये मेरी जानकारी नहीं है, ये मेरी जानकारी नहीं मान्यवर, इस सरकार ने बताया पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया, 11 लाख करोड़ रुपए। आप जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे मान्यवर, इतना पैसा इन्होंने पूंजीपतियों को माफ किया। और इस सरकार को एक सनक है, इस सरकार को एक सनक है, मोदी सरकार को एक सनक है, उसको ये सनक है हमको अपने मित्र को अमीर बनाना है, हमको अपने मित्र को अमीर बनाना है, हमको अपने मित्र को दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बनाना है। और मालूम है मान्यवर उसको कितना कर्जा दिया इस सरकार ने? 2.5 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए मान्यवर, 2.5 लाख करोड़ रुपए। जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे। एक इंसान को 2.5 लाख करोड़ रुपए और बच्चे के दूध पे टैक्स लगाते हो, आटा दाल चावल पे टैक्स लगाते हो, हिंदुस्तान के गरीब आदमी का खून चूसने का काम करते हो, सरकार किसके लिए चल रही है मान्यवर? यह सरकार किसके लिए चल रही है? इसको ध्यान से हमें सोचना पड़ेगा। जब हम इसी सदन में किसान के काले कानून का विरोध कर रहे थे, हमें सस्पेंड करके बाहर कर दिया गया। 1 साल के बाद यह सरकार कहती है अब हमें होश आ गया, हमारी तपस्या में कमी रह गई, हम काला कानून वापस ले रहे हैं। क्यों भाई, 1 साल पहले कानून वापस ले लेते तो 750 किसानों को शहीद नहीं होना पड़ता। आज एक छोटी सी बच्ची, 6 साल की बच्ची ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है मान्यवर, उसने लिखा है मम्मी से जब पेंसिल मांगती हूं तो मम्मी मुझे मारती है, मम्मी जब पेंसिल मांगती हूं तो मम्मी मुझे मारती है। वो कीर्ति दुबे पूछ रही है मान्यवर, मोदी जी कहां है, मोदी जी कहां है? मैं उस कीर्ति दुबे को बताना चाहता हूं, मोदी जी की पूरी सरकार झारखंड में विधायकों की मंडी में व्यस्त है, विधायकों की मंडी में व्यस्त है, विधायक के खरीदने में लगे।
मान्यवर, विधायक खरीदने में लगे हैं। ये पूंजीपतियों की सरकार चल रही है, पूंजीपतियों की गुलामी करने वाली सरकार चल रही है, जो इस देश के अंदर महंगाई बढ़ाने का काम करती है। गरीब के लिए खाने के लिए पैसा नहीं, 800 दवाओं पर, कैंसर की दवा पे, किडनी की दवा पे, टीबी की दवा पे आपने दाम बढ़ा दिया। आपने अस्पताल के कमरे तक पे दाम बढ़ा दिया। आपकी सरकार DHFL के लिए काम करती है। 34,000 करोड़ रुपए बैंकों का घोटाला DHFL ने किया और 29 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है। मान्यवर, इनसे हिसाब मांगना चाहिए। क्यों नहीं जाती ईडी इनके पास, क्यों नहीं जाती CBI इनके पास, इनसे सवाल पूछना चाहिए। मान्यवर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप खाने के लिए, आपके पास सरकार के पास पैसा नहीं, उस पर तो टैक्स बढ़ा देते हो, लेकिन गुजरात के अंदर जहरीली शराब पिलाते हो लोगों को, जहरीली शराब। 75 लोग जहरीली शराब पी के गुजरात के अंदर मर गए। मान्यवर, 75 लोगों की जान चली गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जाते हैं देखने, गुजरात का मुख्यमंत्री उन लोगों से मिलने नहीं जाता। देश के प्रधानमंत्री उन लोगों से मिलने नहीं जाते, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल उन लोगों से मिलने जाते हैं। मान्यवर, मैं ये कहना चाहता हूँ, मान्यवर, नो पॉइंट ऑफ, आई एम नॉट बिल्डिंग सर, बस खत्म कर रहा हूँ, कंक्लूड कर रहे हो, उसके बाद आई टेक द पॉइंट। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है मान्यवर, ये बिल्डर्स के लिए काम करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, गुजरात में मान्यवर, गुजरात के अंदर, गुजरात में नवासारी एक जगह है, गुजरात में सीआर पार्टी के सांसद, नहीं सर, आई एम नॉट बिल्डिंग, इसी चेयर से कहा गया, जब बोलते रहो तो किसी को पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं देंगे। सर, ये सरकार पूंजीपतियों के लिए काम करती है। सरकार एक बिल्डर गुजरात के अंदर सीआर पाटिल के इलाके में, उसके लिए रास्ता बनाने के लिए राधा कृष्ण का मंदिर गिरा दिया इन्होंने। हमारा टाइम आप देंगे 240। नो सर, प्लीज। No sir. One second. One second. Sir, each point of order. 240. Point of order. 240. Sir, जब ये बोल रहे हैं सदस्य, 240. One second. Irrelevance or repetition. The chairman, after having called the attention of the council to the conduct of a member who persists in irrelevance or in tedious repetition, can I ask the member to discontinue the speech? Sir, and most of what has been said here does not relate to the topic being discussed in the council, sir. Taking your point is taken. Sir, a lot of what has been said does not pertain to the subject. I'm taking your point. You made your point. Thank you. You made your point. Please sit down. He's concluding. You got to stop. Please. सर, इसी चेयर से कहा गया था, एक सदस्य बोलता रहेगा तो किसी को पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं देंगे। सर, खत्म कर रहा हूँ। सर, मैं ये कह रहा हूँ, कल तक मैं ये कानून नहीं था सरकार, कल तक ये दूसरा कानून था। हाँ, ठीक है, बैठ जाओ, कंक्लूड करिए, बैठ जाइए, खत्म कर रहा हूँ, कंक्लूड करिए। सर, मेरा समय खा रहे हैं लोग। सर, गुजरात में एक बिल्डर की सड़क बनवाने के लिए राधा कृष्ण का मंदिर गिरा दिया इन लोगों ने। कंक्लूड करिए, ये बिल्डर्स की गुलामी कर रहे हैं। प्लीज कंक्लूड, थैंक यू।